हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। उम्मीद करता हूँ सारे बच्चे बहुत अच्छे होंगे। और आज फिर एक नए लेक्चर के साथ हम लोग, जो कि हमारे बोर्ड मैथ सीरीज का अगला लेक्चर है, और जो पिछले हमारे जो लेक्चर खत्म हुआ है लास्ट, जहाँ पर तो वहां पर मैंने आप लोगों को फ्रैक्शन के प्रकार, फ्रैक्शन को कैसे जोड़ना है, कैसे घटाना है, कैसे मल्टीप्लाई और डिवाइड करनी है, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को बताई थी। और आज हम लोग जो क्या करने वाले हैं बच्चों, हमारा जो टॉपिक है वो बोर्ड मैथ्स ही है अभी भी, बट उस बोर्ड मैथ्स में आज मैं आप लोगों को जो फ्रैक्शन है, तो वहां पर हमने जो लास्ट टाइम सीखा, या तो वो केवल जोड़ना था या केवल घटाना था, लेकिन यहाँ पर हम सभी फ्रैक्शन को, है ना, बहुत सारी फ्रैक्शन को एक साथ जोड़ना, उसी में मल्टीप्लाई भी करना, फिर गुणा भी करना, मतलब कुल मिलाकर के बहुत सारी फ्रैक्शन को एक साथ सिंप्लीफाई करना, ठीक है। तो हमारा जो अगला टॉपिक है आज, तो वो है सिंप्लीफिकेशन ऑफ फ्रैक्शन, ठीक है। हम बोर्ड मैथ्स का यूज करते हुए सिंप्लीफिकेशन ऑफ फ्रैक्शन करने वाले हैं। तो चलिए, जैसे कि आज का जो हमारा बच्चों पहला जो क्वेश्चन है, तो पहला क्वेश्चन है हमारा जो आपके सामने लिखा है, और हम लोगों को बोर्ड मैथ्स का पूरा पूरा प्रयोग करना है, ठीक है। तो हमें क्वेश्चन तो सोल्व करने हैं, लेकिन आप लोग ये जरूर ध्यान में रखना कि बोर्ड मैथ्स ही है हमारा जो टॉपिक है अभी भी, बोर्ड मैथ्स का यूज करते समय ही हमें पढ़ना है। आइए, पहला क्वेश्चन है आज का, देखिएगा ध्यान से कि 6 whole 1/2 + 3 6 सही 1/2 + 3 सही 1/2 / 2 सही 3/5 गुणा में कितना दिया है 4/5। ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में एसएससी की परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न है, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन भी इतना आसान टॉपिक नहीं है बच्चों के लिए, उसमें भी बहुत सारी गलतियां करते रहते हैं। जैसे अभी आज हमने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर के एग्जाम है वहां से उठाए हैं, और देखते हैं, देखो किस तरह से हम लोग बोर्ड मैथ्स लगाते हुए इन सबको सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। चलिए, सबसे पहला काम, आप लोगों को किसी भी क्वेश्चन में जब आप फ्रैक्शन देखते हो, तो एक जो बच्चों क्या बोलते हैं मिक्स फ्रैक्शन होती है, उसको पहले आपको एक प्रॉपर फ्रैक्शन में बदल लेना है, तब हम बोर्ड मैथ्स का नियम लगाते हैं। आइए देखिए, जैसे 6 × 2 = 12 और ये होने वाला बच्चों 1 13/2, बीच में प्लस, 3 × 6 और 1 7/2, बीच में डिवाइड बाई का निशान, 5 × 10 और 3 13 और बटे में कितना होने वाला है 5, फिर मल्टीप्लाई का निशान और 4/5। तो ये हमने बच्चों अपनी पूरी फ्रैक्शन को लिख लिया, 6 × 2 = 12 और 1 13/2, 3 × 6 और 1 7/2, डिवाइडेड बाई 5 × 10 होती 13/5 और इंटू में 4/5। अब आपको इस बोर्ड मैथ्स का प्रयोग करना है। तो देखिए, जैसे आप लोग समझते हो कि b का मतलब ब्रैकेट होता, तो कहीं भी इस प्रश्न में हमारा ब्रैकेट नहीं बना है। फिर o का मतलब और मतलब का होता है, वो भी आपको नहीं दिखाई दे रहा है। फिर आगे हम लोग क्या लगाएंगे, डिवाइड। तो जैसा कि आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि एक ही फ्रैक्शन ऐसी है जहां पर आपको डिवाइड बाई दिया है। चलो, तो आइए इसे सोल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोगों को क्या सोल्व करना है, डिवाइड बाई। जब भी किसी को सोल्व करा करो, उसे ब्रैकेट में रख लिया करो, ठीक है, उससे और चीजें आसान हो जाती है। तो बच्चों, ये आपका रहने वाला है 13/2, बीच में प्लस का निशान। अब जब आप इस ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, तो बच्चों जब भी किसी एक फ्रैक्शन को दूसरे फ्रैक्शन के साथ में डिवाइड करना होता, तो देखिए कैसा करते हैं। ये करोगे आप लोग यहाँ पर 7/2 और डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई का निशान लगाना है, और 13/5 का उल्टा हो जाएगा बच्चों 5 और बटे में कितना होने वाला है आपका 13, ठीक है। फिर यहां से देखिए, अब हमारा ये इतना आप लोगों ने डिवाइड कर लिया, और पीछे से दिया है बच्चों 4/5, ये हमारा 4/5 आ गया। तो यहाँ ऊपर वाली सारी वैल्यू मल्टीप्लाई में है, नीचे वाली सारी वैल्यू मल्टीप्लाई में है, तो नीचे की किसी भी वैल्यू से अगर ऊपर की कोई भी वैल्यू अगर डिवाइड हो जाती है, तो आप लोगों को डिवाइड कर देना चाहिए। जैसे हमें दिख रहा है साफ साफ, इस वाले 5 से ये वाला 5 बच्चों कैंसिल हो रहा है, और इस वाले 2 से ये वाला 4 कितने टाइम्स कैंसिल हो रहा है बच्चों, 2 times कैंसिल हो रहा है। तो कुल मिलाकर के नीचे वैल्यू मिली 13, ऊपर वैल्यू मिली 7। अभी प्लस का निशान धरे, पहले हम प्लस के इधर की वैल्यू सोल्व करेंगे। तो ये होने वाला है बच्चों 7 × 2 = 14 और बटे में कितना होने वाला है 13। तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं बच्चों कि 13/2 प्लस में 7 × 14, ठीक है, और बटे में हो जाएगा हमारा 13। तो जब आप इसको आगे जोड़ते हैं, तो इसको जोड़ने के लिए मैंने आपको फ्रैक्शन को जोड़ना सिखाया है,
जो हमारे पिछले लेक्चर हुए हैं उसमें जाकर के आप देखिएगा कि हमने किस तरह से फ्रैक्शन को जोड़ना सीखा था। ओके ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारे नीचे के जो हर दिए हैं इसका आपको एलसीएम लेना है। तो 13 और 2 में कुछ कॉमन नहीं है, जब किसी चीज में कुछ कॉमन नहीं होता है तो 13 और 2 मतलब उनका गुणनफल ही उनका एलसीएम होता है। तो 13 × 26 तो बच्चों हमारा इनका जो एलसीएम निकलता आएगा वो कितना निकल का आएगा, 26 निकल करके आएगा। अब देखते रहना, ये जो ऊपर वाला जो अंश या न्यूमरेटर है उसको आपको ऐसे लिखना है और गुणा का बच्चों निशान लगाना है। फिर नीचे वाली जो वैल्यू है कितना दिया है 2, उस 2 से इस 26 को डिवाइड करना है। तो 2 से 26 को डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा बच्चों, 13 बार जाएगा। ठीक है, बीच में किसका निशान, प्लस का निशान, तो आप लोग प्लस का निशान रख लीजिएगा। और अब इस 13 से 26 को डिवाइड करोगे, लेकिन उससे पहले आपको लिखना है अंश, 14 × का निशान लगाना है और 13 से 26 को भाग देनी है, 13 × 26। तो ये आपका यहाँ पर 2 निकल करके आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए हम ऊपर करते हैं थोड़ा क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। ओके ठीक, तो बच्चों यहाँ पर देखो आप, ये बना 13 × 13 और इंटू में 14 × 2। तो जब 13 को 13 से मल्टीप्लाई कराओगे, जब 13 को 13 से मल्टीप्लाई कराओगे तो ये बच्चों आ जाएगा 169, बीच में प्लस का निशान, और 14 × 2 हो जाएगा बच्चों 28, और बटे में कितना होने वाला है आपका, 26 होने वाला है। अब आप इन दोनों को जोड़ो तो 9 में अगर 8 जोड़ोगे तो बच्चों यहां पर निकल के आ जाएगा आपका 7, 9 और 8 17 का 7 कितना बचेगा 1, उस 1 को ला करके 6 × 2 = 8 = 9 और कितना बचेगा बच्चों ऊपर से 1 और बटे में हो जाएगा 26। तो इसका आंसर निकल के आ जाएगा 197/26, या आप इसको किस फॉर्मेट में, जो मैंने पीछे वाली वीडियो देखो मैंने इसको मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्मेट में भी लिखना सिखाया है, तो आप इसको मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्मेट में भी लिख करके अपना आंसर निकाल सकते हो। फिलहाल अभी हम अपना आंसर यहीं पर रोकते हैं, 197/26। ठीक है, 197/26। तो ये बच्चों हमारा आज का पहला क्वेश्चन रहा। ठीक है, आगे चलते हैं जो हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 2 है। अब जिस किसी बच्चे को इसको देखना है दोबारा से, ठीक, तो मैं एक बार दिखा दे रहा हूं। ठीक है, तो ये हमारा बच्चों आज का क्वेश्चन था, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हो। ठीक है, ये क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लीजिए। फिर आगे चलते हैं, इसके बाद में जो आपका बाकी का क्वेश्चन है वो इधर है। ठीक, तो ये आपका बाकी का सॉल्यूशन का निकल के आ गया। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। ओके, ये हमारा इसका आंसर निकल करके आ गया है, 197/26। ठीक, अब आगे चलते हैं, तो हमारा आगे चलो बच्चों, नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 2। ठीक, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है, चलिए तो अपना क्वेश्चन नंबर 2 हम सोल्व करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, आई थिंक आपको दिखाई दे रहा होगा बच्चों अच्छे से। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 2 में आप देखिए ऊपर क्या दिया है, ऊपर पहले 48 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, फिर माइनस में 16 को 6 से, 48 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, 16 को 6 से मल्टीप्लाई करना है, 20 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, और यहां पर 1/4 को 48 से मल्टीप्लाई करना है। तो पहले हमें इस वाली वैल्यू को सोल्व करना है, जब तक ये पूरी वैल्यू हमारे निकल के नहीं आएगी तब तक आप का वाला चिन्ह सोल्व नहीं कर पाओगे। क्योंकि हम लोग जानते हैं, क्योंकि हम लोग को कौन सा नियम लगाना है बच्चों, यहाँ पर हम लोगों को लगाना है बोर्ड मैथ। ठीक है, तो बोर्ड मैथ में जैसे ब्रैकेट तो यहाँ पर नहीं दिया है, प्रोफ भी नहीं दिया है, बट यहाँ पर हम लोगों को पहले क्या सोल्व करना है, डिवाइड बाई, सॉरी यहाँ पर हम लोगों को पहले इसको सोल्व करना है। जब ये पूरा हमारा फ्रैक्शन सोल्व हो जाएगी तभी जाकर के हम उसका का वाला आंसर निकाल पाएंगे। चलिए सोल्व करते हैं। तो पहले हम लोगों को 4 से 8 को मल्टीप्लाई करना है, तो बच्चों 4 × 8 होने वाला है 32, कितना बचेगा 3, 4 × 16 और 3 = 19, तो होने वाला है 192, माइनस का निशान, 16 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे तो 16 × 6 हो जाएगा बच्चों 96, फिर डिवाइडेड बाई 20 की गुणा 3 बार करोगे तो 20 किया हो जाएगा बच्चों 60, बीच में प्लस का निशान, अगर हम 4 की गुणा ना 48, 1/4 की गुणा 48 से कराते हैं तो 4 को भाग करेंगे 48 से, तो 4 × 4, 4 × 2 = 8 और 4 × 4 = 8, तो कितना निकल कर आएगा बच्चों 12। तो ये हमारा यहाँ पर 12 निकल करके आ गया। और अभी हमारा जो का वाला सिंबल है वो एज इट इज रखा हुआ है, का 3/4। चलिए
तो जब हमें 192 से 96 को घटाएंगे तो 12 में से 6 गया तो बच्चों 6 बचेगा, यहाँ बचेगा 8, इधर एक ढाई लेंगे 18 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 9, और वहां पर कुछ नहीं बचेगा तो ऊपर बचा बच्चों 96, ऊपर कितना बचा 96 हमारा बचा है। ठीक है, अब उसके बाद में नीचे का अगर हम सोल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 60 और 12 72, 72 और का मतलब क्या होगा बच्चों गुणा, और यहां पर हो जाएगा आपका 3/4। अब उसके बाद में जो वैल्यू आपको करती दिखाई पड़ रही है वो आप काट सकते हो, जैसे यहाँ पर हम 16 का पाड़ा पढ़ सकते हैं, 16 का पाड़ा नहीं पढ़ा जाएगा बच्चों, यहाँ पर 12 का पाड़ा पढ़ जाएगा ना, तो ये हमारा हो जाएगा 12/8। ठीक है, कितनी बार जाएगा बच्चों, ये जाएगा 12/8 96 और 12/6 72। फिर हम इसे किससे काट सकते हैं, 2 से, तो 2 6 8 और 2 3 6 तो ऊपर मिला 4/3, इधर गुणा का निशान इधर है 3/4, तो आप लोग बराबर में कर सकते हैं बच्चों, यहाँ पर 4/3 बीच में गुणा का निशान और इधर हो जाएगा 3/4, तो 4 से 4 कैंसिल और 3 से 3 कैंसिल, तो बताओ इसका आंसर कितना निकल का है, इसका आंसर निकल का है 1। एक बार फिर से देख लो, 48 को 4 से गुणा करेंगे 192 आएगा, बीच में माइनस का निशान है, 16 का पाड़ा 6 बार पढ़ेंगे 96 आएगा, 20 को 3 से गुणा करेंगे 60 आएगा, बीच में प्लस का निशान है, 4 को 48 से काट देंगे 12 आएगा, तो ये 12 हो जाएगा, और इधर बच्चों 100/ में आपका ये अगर 192 में से अगर 96 घटाते हैं तो 96 आएगा, और नीचे 60 को 12 में जोड़ते हैं तो 72 आएगा। अब 12 का पाड़ा पढ़ोगे तो 8 बार जाएगा, 12 का पाड़ा पढ़ोगे 6 बार जाएगा, 2 का पाड़ा पढ़ोगे 4 बार जाएगा, 2 का पाड़ा पढ़ोगे 3 बार जाएगा, और गुणा में होगा 3/4, तो इधर की वैल्यू मिली हमें 4/3 जो हमने यहाँ लिख ली, और गुणा में मिला 3/4 तो गुणा में 3/4 कर लिया, तो 4 से 4 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, तो बताओ आंसर कितना निकल गया बच्चों, तो आंसर हमारा निकल गया है बच्चों 1। ठीक है, अब हमारा अगला क्वेश्चन लेते हैं, तो इसका जिसको भी स्क्रीनशॉट लेना है वो ले सकता है, नेक्स्ट हम आगे क्वेश्चन लेते हैं अपना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब बच्चों हमारा आ गया है क्वेश्चन नंबर 3। ठीक, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। तो यहां से हमारा जो क्वेश्चन नंबर बच्चों 3 है, ठीक है, इसको थोड़ा सा हम लोग बड़ा कर ले रहे हैं, ठीक, ताकि आप लोगों को अच्छे से दिखाई पड़े, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है, चलिए, तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 में जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पर आप लोगों को मिक्स फ्रैक्शन दी है, और मैं बार बार बताता हूँ कि पहले मिक्स फ्रैक्शन को आप लोगों को प्रॉपर फ्रैक्शन में बदल देना चाहिए। चलिए आइए, तो हम लोग यहाँ पर मिक्स फ्रैक्शन में बदलते हैं, 4 × 2 = 8 और 3 = 11, तो ये वैल्यू होने वाली है बच्चों 11/4। ठीक है, फिर यहाँ पर आपका डिवाइड बाय का निशान, 4 × 16 और 5 = 21 और बटे में कितना हो जाएगा बच्चों 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर उसने किसका निशान दिया है, यहाँ पर बच्चों उसने निशान दिया हमें का, तो जब भी कभी का मिले तो पहले आप लोगों को इन दोनों वैल्यू को सोल्व करना है, तो आप इनको जब भी का वाला वैल्यू मिले उसे ब्रैकेट में रख लिया करो पहले सारे बच्चे, तो ये हो जाएगा 21/4, और का मतलब होता है मैथ की भाषा में गुणा, 8 × 2 = 16 और 3 = 19 और 19 और बटे में बच्चों कितना हो जाएगा 8, फिर यहाँ पर आपका ये ब्रैकेट आपका यहाँ पर बंद हो जाएगा, क्योंकि जब का को सोल्व करोगे तो पहले का वाली वैल्यू को जिसको सोल्व करा करो उसे ब्रैकेट में रख लिया करो, तो चीजें गलती होने के चांसेस बेटे 0 हो जाते हैं। फिर यहाँ पर मल्टीप्लाई का निशान, 5 × 3 = 15 और 4 = 19 और बटे में कितना होगा 5 निकल कर आ जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखो सारे बच्चे, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो ये बताओ जब आपको 11/4 को डिवाइड करना है और किससे डिवाइड करना है, इस पूरी संख्या से जो संख्या ब्रैकेट के अंदर में है, तो आप जरा यहां पर देखो, अगर हम लोग एक छोटा सा उदाहरण लें कि 11/ कितना 4 और यहां पर मैं डिवाइड बाय का निशान लगा लूं और मल्टीप्लाई ब्रैकेट में उसको सोल्व करने के लिए मैं एक छोटी उदाहरण ले रहा हूं आपके लिए, मान के चलो मैंने ले लिया 3/2 और गुणा में मैंने कर लिया बच्चों 1/2, तो बताओ आप क्या करोगे, आप पहले यही तो करोगे कि इन दोनों को ऊपर गुणा कर लोगे नीचे दोनों को गुणा कर लोगे, तो जब हम यहाँ पर 11 और बटे में बच्चों 4 लेंगे तो 11/4 डिवाइडेड बाई 3 × 3 और 2 × 2 = 4, तो ये हमारा बन करके आएगा। तो अब हमें यहाँ पर जब डिवाइड बाई करेंगे तो 11/ कितना होने वाला है बच्चों 4 और गुणा डिवाइड बाई की जगह मल्टीप्लाई का लगा लो निशान
और 3/4 की जगह कर लो 4/3, तो ये 4 से 4 कैंसिल होगा, तो तुम्हारा आंसर निकल के आ जाएगा 11/3। तो कुल मिलाकर के अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई नहीं करते हो तो आपको ये ध्यान में रखना है कि जैसे आपने इस वाली फ्रैक्शन को उल्टा करा है, नीचे ला करके 3/4 की जगह 4/3 करा है, तो आपको ध्यान में रखना है कि जब कोई संख्या ब्रैकेट में रखी होती है चाहे वो कितनी भी हो, तो वो बच्चों जब डिवाइड बाई में जाती है तो सबकी सब पलट जाती है, सबकी सब उल्टी हो जाती है। जैसे मेरे साथ देखो, यहां पर जैसा मैं बताता हूं कि जो हमारा 11/4 है, तो अगर हम लोगों को कहीं भी किसी संख्या से डिवाइड करना है तो उसकी जगह मल्टीप्लाई का निशान लगाएंगे और फिर जितने भी ये ब्रैकेट के मान इन सबको पलटे, किसी एक को नहीं पलटे क्योंकि सब ब्रैकेट में एक साथ है, और डिवाइड करने पर फ्रैक्शन जो है क्या होती है, मल्टीप्लाई का निशान लगा के बदल जाती है, उलट जाती है। तो यहां पर जब इनको उलटोगे तो एक नहीं उलटेगा, ये सब एक साथ उलटेंगे। ये क्यों? क्योंकि ये सब किस में रखे बच्चों, ब्रैकेट में रखे हैं। तो जब आप इनको उलटोगे तो 21/4 का उल्टा हो जाएगा बच्चों 4/21, और बीच में गुणा का निशान 19/8 की जगह हो जाएगा 8/19, और इंटू में हो जाएगा आपका, है ना, इंटू में हो जाएगा आपका 19 और बटे में कितना 5, ये हमारा निकल करके आएगा। अब सारी वैल्यू हमारी मल्टीप्लाई में आ गई है, अब आप जिसको काटना चाहे आराम से जो कट रहा काट सकते हो। देखो जैसे इस वाले 19 से ये वाला 19 कैंसिल होने वाला है, और इस वाले 4 से ये वाला 4 कैंसिल होने वाला है। अब कोई संख्या नीचे ऐसी नहीं जो ऊपर वाली संख्या को काट सके, तो आपको करना है 11/8 88, ठीक है, बराबर का निशान लगाना है, ऊपर आपको 88 लिख लेना है और नीचे कितना कर लेना बच्चों 21/5, 105। तो इस तरीके से ये आपका क्या निकल करके आ गया, ये आपका आंसर निकल कर। तो इस वाले क्वेश्चन में ये वाला जो कॉन्सेप्ट था ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से देखो। जब भी ऑफ करना हो तो पहले तो ब्रैकेट में रख करके ऑफ करा करो, उसके बाद में जब आप ऑफ कर रहे होंगे, ऑफ करने के बाद जो सारी संख्याएं हैं अगर आप उनको डिवाइड करते हो तो ब्रैकेट में रखी हुई सभी संख्या उल्टी हो जाती है, क्योंकि यहां देखिए कुछ कट नहीं रहा था, तो मैं इतनी बड़ी संख्याओं की मल्टीप्लाई कराऊं तो मुझे बहुत टाइम लग जाएगा, तो उनको ऐसी रखा रहने दो। क्योंकि अगर आप इनको मल्टीप्लाई कराओगे तब भी एक अंश बनेगा, और इनको मल्टीप्लाई कराओगे तब भी एक हर बनेगा, तो अंश बटे हर होने पर यहां पर हर बटे अंश हो जाएगा। तो चाहे आप गुणा करो या मत करो, चाहे आप गुणा करके उल्टा कर दो या सारी वैल्यू को एज इट इज उल्टा कर दो, उससे कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो बच्चों ये आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये SSC CGL प्री एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक, आगे चलते हैं। आप इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हैं कोई बच्चा, तो इसका स्क्रीनशॉट भी आप लोग ले सकते हो, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, तो यहां से बच्चों हम लोग आगे की ओर चलते हैं, और हमारा जो अगला क्वेश्चन है, तो अगला क्वेश्चन नंबर हमारा क्या आने वाला, 4, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, और ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये भी जो है आपकी प्रीवियस ईयर की परीक्षाओं में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक। चलिए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या काम करना है, मिक्स फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलने का काम है। तो यहां पर बच्चों हम लोगों ने क्या करा, इसको हम लोग लिखेंगे 3 और बटे में कितना होगा 4, ठीक, इसको ऐसे लिख लेना है। ये जहां जहां पर आपको कोई चिन्ह नहीं दिखाई दे रहा है, यहां तुरंत समझ जाओ कि जहां पर कोई चिन्ह नहीं होता वहां पर आपका गुणा का चिन्ह होता है। किसका चिन्ह होता है बच्चों, गुणा का चिन्ह होता है। चलिए 3 × 3, 3 × 1, 4, तो यहां पर गुणा का निशान, तो यहां पर हो जाएगा आपका 4 और बटे में कितना होगा 3, फिर इंटू का मतलब गुणा का निशान, 3 × 3, 3 × 2, 5, तो ये होने वाला है आपका 5/3, 5 × 5, 5 में से 2 जाएगा तो मल्टीप्लाई का निशान लगाएंगे, और 5 × 5, 5 में से 2 गया तो कितना बचेगा बच्चों, 3/5 हो जाएगा, फिर यहां पर मल्टीप्लाई का निशान लगाएंगे, 7 × 7, 7 और 6, 13, तो 13/7, ये हमारा 13/7 होगा, वहां पर मल्टीप्लाई का निशान है बच्चों, फिर यहां पर 13 × 13 और 13 में से 12 गया तो कितना बचेगा 1, तो ये निकल करके आ जाएगा बच्चों 1/13। तो इस तरह से जितनी भी हमारी बच्चों प्रॉपर फ्रैक्शन थी, उन सारी प्रॉपर फ्रैक्शन को हमने किसमें बदल दिया, पहले सॉरी मिक्स फ्रैक्शन थी, तो मिक्स फ्रैक्शन को हम लोगों ने बच्चों प्रॉपर फ्रैक्शन बदल दिया, ठीक है। आइए सॉल्व करते हैं। अब यहां पर जो भी वैल्यू नीचे की अगर किसी भी वैल्यू से ऊपर की अगर कोई भी वैल्यू डिवाइड हो रही है तो आप डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि जब बीच में सबके बीच में मल्टीप्लाई का निशान लगा होता है तो आप नीचे की किसी वैल्यू से
ऊपर की किसी भी वैल्यू को डिवाइड कर सकते हैं। आइए देखते हैं। जैसे हमें बच्चों तीन से तीन कैंसिल होता नजर आ रहा है, चार से चार कैंसिल हो रहा है, तीन से तीन कैंसिल हो रहा है, पांच से पांच कैंसिल हो रहा है, ठीक है, और इधर बच्चों तेरह से तेरह कैंसिल हो रहा है। तो ऊपर बच्चों आपको एक वैल्यू नजर आ रही होगी एक, और नीचे एक वैल्यू नजर आ रही होगी सात। तो इस तरह से जो हमारा आंसर निकल के आएगा तो वो बच्चों हो जाएगा हमारा एक बटे सात। तो ये हमारा क्या निकल के आ गया, ये हमारा आंसर निकल करके आ चुका है, ठीक है। अब हमारा अगला क्वेश्चन लेने से पहले मैं आप लोगों को फिर से एक चांस दे रहा हूँ कि अगर किसी को स्क्रीन शॉट लेना है तो वो स्क्रीन शॉट ले सकता है, ठीक है। तब हम अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। ये हमारा क्वेश्चन नंबर चार था आज का, ठीक, चलिए हो गया, ठीक, चलिए नेक्स्ट नंबर हमारा क्वेश्चन नंबर आज का पांच, ठीक, और क्वेश्चन नंबर पांच भी ले दे रहे हैं। चलिए बच्चों ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, देख रहा ध्यान से, क्योंकि इसमें भी बड़ा इंपॉर्टेंट रूल लगा है, ठीक। कहने के लिए बच्चों बोर्ड मास है, लेकिन बोर्ड मास ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत गलत होते हैं। बड़ी बड़ी कैलकुलेशन देखते हुए बच्चे अक्सर कहते हैं कि पेपर हार्ड आया था, और ऐसी कैलकुलेशन के बच्चे अक्सर क्वेश्चन जल्दीबाजी में गलत कर लेते हैं। तो इनको आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्योंकि मैथ के अंदर कुछ थोड़ी ना है, मैथ के अंदर तो कैलकुलेशन है, और ये भी कैलकुलेशन चल रही है बस, ठीक है। चलिए चलते हैं। सबसे पहले आप लोगों को ये जो क्वेश्चन दिया है, ये वाला जो ब्रैकेट दिया है, तो आप लोगों को पहले ब्रैकेट को सोल्व करना चाहिए, और ब्रैकेट को हम लोग पहले सोल्व करते हैं। तो जब हम पहले ब्रैकेट को सोल्व करते हैं तो बच्चों नीचे के हर समान होने पर मैंने आपको बताया उस हर को हम ऐसे का ऐसे लिख लेंगे, और जब हमारे हर समान होते हैं तो ऊपर की संख्याओं को जैसे रखिए वैसे जोड़ दो। तो 16 और 3 19, तो यहां पर जो आपकी वैल्यू निकल के आएगी, ठीक है बच्चों, बराबर में, ठीक है, तो यहां पर हमारी वैल्यू निकल के आने वाली है 19/5। अब आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ध्यान किस बात का रखना है कि ये हमारा जो ब्रैकेट है ये सोल्व हो चुका है। अब इस सोल्व होने के बाद में 19/5 आया, तो पीछे से आपको डिवाइड बाई का निशान लगाना है, लेकिन डिवाइड बाई का निशान लगाने से पहले आपको इसको भी सोल्व करना होगा, ठीक है। तो आओ पहले इसको सोल्व करते हैं, यहां पर हम लोग, ठीक, डिवाइड बाई का निशान जो है, ठीक, यहां पर हमारा डिवाइड बाई का निशान है, ठीक है बच्चों। तो यहां पर हम जो है डिवाइड बाई की जगह किसका निशान लगाएंगे, अभी तो हम लोग डिवाइड बाई का निशान लगाएंगे, बस इसको देखो आप लोग। तो देखिए ये लगा है 8/5, और ये बटे का निशान है, बटे में दिया है 8, और बटे में कितना 7। तो जब भी कभी 8/5 को, जैसे कि एक भिन्न को दूसरी भिन्न से भाग देना हो, तो क्या तरीका है कि ऊपर लगा लो आप लोग मल्टीप्लाई का निशान, और जब आप ऊपर मल्टीप्लाई का निशान लगाओगे तो नीचे वाली भिन्न को उल्टा कर देना है, 8/7 की जगह आप लोगों को बच्चों लिख देना है 7/8, क्लियर। अब देखो ये ऊपर नीचे वाली भिन्न मैंने ऊपर लिख दी, और ये वाला इससे क्या हो गया कैंसिल, तो यहां पर क्या बचेगा बच्चों 7/5 बचेगा। आ जाओ फिर आगे, बीच में डिवाइड बाई का निशान दिया है, ब्रैकेट को एज इट इज रखा रहने दीजिएगा, ये हो जाएगा बच्चों 5, और बटे में हो जाएगा 7 प्लस, ठीक है। अब आपको इस वाले ब्रैकेट को सॉल्व करना है, तो 1/7 को भाग करना है 1/3 से। चलिए भाग करते हैं, ब्रैकेट का निशान लगाओ 1/7, डिवाइड करने के लिए डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई का निशान लगाना है, और 1/3 की जगह आप लोगों को इसका उल्टा 3/1 कर देना है, ठीक है। बात समझ में आ रही है सब बच्चों को, चलो बहुत अच्छी बात है, ध्यान से देखते रहो बस। अब देखिए यहां से जब हम इस वाली वैल्यू को देखते हैं, ठीक है, ध्यान से देखो सब बच्चे, ध्यान से देखो, ठीक, इसको आप लोग, ठीक है जी, देखिए तो हमारा यहां पर ये जो सॉल्यूशन मैंने किया है, अब इसको देखो आप लोग, तो यहां बच्चों 19/5 बचा, तो यहां पर क्या बचा, ये बचा है 7/5। अब बीच में डिवाइड बाई का निशान है, तो जब भी डिवाइड बाई का निशान होगा तो मैं बार बार आप लोगों से बताता हूं कि इसे 19 और बटे में 5 ही रहने दीजिए, और डिवाइड बाई की जगह मल्टीप्लाई का निशान ले आइए, और यहां से जो 7/5 एक भिन्न बनी है उसका उल्टा 5/7 कर दीजिए, तो ये वाली भिन्न हो जाएगी 5 और बटे में कितना 7, ठीक है।
इन ये 8/5 का और 8/7 का जो सॉल्यूशन निकल का है, जरा ध्यान से देखो, हमने इस वाली बिन को डिवाइड करने के लिए ऊपर जाकर के उल्टा कर दिया, 8 से 8 कट गया, ऊपर 7 बचा, नीचे 5 बचा, मतलब डिवाइड बाय के इधर 7/5 बिन बची थी। जब डिवाइड बाय करते हैं तो मल्टीप्लाई का निशान लगाते हैं और इधर की जो बिन है उसको उल्टा करेंगे तो 7/5 का उल्टा 5/7 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब देखो फिर से, तो यहां पर हमारा फिर से डिवाइड बाय का निशान है। अब अंदर का सॉल्यूशन हम लोग कर ले रहे हैं, तो जब अंदर का सॉल्यूशन करेंगे तो ये होगा बच्चों 5 और बटे में कितना 7, बीच में प्लस का निशान, तो ये बच्चों आपका 3 × 3 हो जाएगा, 7 × 7 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 3 और बटे में कितना 7 हो जाएगा। ठीक, अब चलो देखो यहाँ पर आपका 5 से 5 क्या हो गया कैंसिल, ये बचा आपका बराबर में 19 ऊपर बचा और नीचे कितना बचेगा बच्चों 7। अब यहाँ पर इसका डिवाइड बाई का निशान है, जब आप इसको भाग करेंगे, सॉरी इसको जोड़ेंगे, क्योंकि ये लाइक फ्रैक्शन है, तो लाइक फ्रैक्शन में नीचे वाले हर को आप लोग एज इट इज लिख लीजिए और ऊपर वाले को एज इट इज जोड़ लीजिएगा, 5 और 3 8। अब फिर से एक फ्रैक्शन को दूसरी फ्रैक्शन से भाग करना है, तो जब एक फ्रैक्शन को दूसरी फ्रैक्शन से भाग करना होगा तो उसके लिए क्या करना चाहिए, मैंने फिर बताया है कि पहली वाली बिन के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करनी, उसे आप 19/7 ही रहने दीजिएगा और डिवाइड बाई की जगह आपको मल्टीप्लाई का लगा लेना है निशान और पीछे वाली बिन का कर देना है उल्टा, 8/7 का उल्टा होता है बच्चों 7/8। तो जब आप 7/8 लिखेंगे तो यहाँ पर 7 से 7 कैंसिल होगा, ऊपर बचेगा बच्चों 19 और नीचे कितना बचेगा बच्चों 8, तो ये फिर से आपका आंसर निकल करके आ जाएगा, तो इसका आंसर बच्चों हो जाएगा 19/8। ठीक है, तो इस तरह से आप लोगों के लिए ये बड़ा अच्छा ही यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट था जो आप लोगों को सीखना चाहिए। ठीक है, कि पहले हमें बिन को बिन से भाग करना था, ठीक ये आपका था, तो एक बार मैं सारा क्वेश्चन एक बार आपको दिखा दे रहा हूँ, ये रहा बच्चों, ठीक इसको आप देख लीजिए और समझ लीजिए अपने हिसाब से, ये आपका पूरा क्वेश्चन है जो हमने सॉल्यूशन करा है। ठीक है, ये आपका पहले हमने इनको जोड़ा 19/5 आया, डिवाइड बाई अपनी जगह रहा, ये दोनों बिन बटे में है, तो इन दोनों बिन को बटे में रखने के लिए पहली बिन को दूसरी बिन से जब भाग करेंगे तो यहाँ पर 7 और यहाँ पर 5 बचेगा, क्योंकि भाग करने के लिए तरीका होता है कि घोड़ा लगा करके नीचे वाले बिन को उल्टा कर दो, बीच में भाग का निशान है, फिर ये जो 1/7 था सेम डिवाइड बाई करना था, तो 1/7 को एज इट इज रखने दिया, पिछले वाले बिन को उल्टा कर लिया। ठीक है, यहाँ पर बचा हमारा 5/7, अब यहाँ पर फिर से डिवाइड बाई है, तो जो 7/5 बचा उसको घोड़ा का निशान लगा के फिर से उल्टा कर लेंगे, बीच में डिवाइड बाई रहेगा, जब अंदर सॉल्यूशन करेंगे तो 5/7, 3 × 3 7 × 7 3/7 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से 5 से 5 कट गया, 19/7 बचा, डिवाइड का निशान अपनी जगह रहेगा, और यहाँ से बच्चों जो हमारा 8 है तो ये नीचे का मान हर समान होने पर ऐसी रहेगा और 5 और 3 8 होगा, तो 19/7 और डिवाइडेड बाई 8/7 फिर से भाग का निशान आ गया, तो फिर से आपको क्या करना है, घोड़ा का निशान लगाना है, 8/7 का उल्टा 7/8 कर देना है, तो आपका आंसर बचेगा बच्चों 19/8। तो उम्मीद करता हूँ कि सारे बच्चों को ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, सारे के सारे प्रीवियस में पूछे गए हैं। चलिए हमारे 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं, हम आगे की ओर चलते हैं, तो बच्चों हमारा अगला जो क्वेश्चन है, तो बच्चों अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, तो हम लोग इस क्वेश्चन नंबर 6 को भी सॉल्व करते हैं, चलिए। ठीक, चलो आइए, तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया है, पहले यहां पर ऑफ दिया है, तो मैं बार बार कहता हूं कि जैसे ही आप लोगों को है ना, यहां पर बच्चों 1/2 ऑफ, यहां पर कोई वैल्यू छूट गई है। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन में कुछ ना कुछ यहां देखिए मिस्टेक हुई है, क्योंकि 1/2 का हमें कितना निकालना है वो वैल्यू नहीं दी है, पहले हमें यहाँ पर कोई वैल्यू होनी चाहिए थी, फिर उसको मैं देखना चाहिए था। ठीक है, तो एक मिनट मैं इसका बच्चों देख लेता हूं कि यहाँ पर हमारी कौन सी वैल्यू छोटी है। क्वेश्चन नंबर 6, 1/2 का यहाँ पर हमारा बच्चों दिया है 8/5। हाँ बच्चों ये गलती है, यहाँ पर एक मिस्टेक ठीक कर दे रहे हम लोग, यहाँ पर गलती ये है कि ये वाला जो सिंबल है ये यहाँ गलत लगा है। ठीक है, अब ये सही है, अब आप देखिए, ठीक है, वरना तो क्वेश्चन गलत हो जाता है।
तो ये हो गया 1/2 का 8/5, फिर डिवाइड बाई का निशान। तो आपको क्या करना चाहिए, पहले तो आप, जब मैं बार बार कहता हूं कहीं भी अगर आपको का सोल्व करना हो तो सबसे पहले तो उसे ब्रैकेट में रख लो और सब काम तुम्हारे बाद में होंगे, ठीक है। तो पहले आपको इसी को सोल्व करना चाहिए, आइए सोल्व करते हैं पहले इसी को ना। तो ये हो जाएगा बच्चों 1/2, और का मतलब होता है गुणा, और हो जाएगा 8 और बटे में हो जाएगा आपका 5, ठीक। तो जब आप इसको इससे काटोगे तो 2 × 8, तो ये वैल्यू हो जाएगी बच्चों हमारी यहां से 4 और बटे में कितना 5, ठीक है। तो हमने ऑफ को सोल्व करा, उसकी वैल्यू 4/5 आई। फिर आगे जो आपका डिवाइड बाई का निशान है उसको आप ऐसे लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, ये हमारा 11 और बटे में कितना 5 हो गया। फिर यहां से माइनस का निशान, फिर हम यहां चलेंगे 5 और बटे में कितना बच्चों 16 प्लस 3/5 और यहां पर मल्टीप्लाई, और ये हो जाएगा बच्चों 15 और बटे में कितना 8, ठीक है। तो जब हम बोर्ड मैथ लगाते हैं तो बोर्ड मैथ में पहले हम ब्रैकेट सॉल्व कर रहे हैं। अब ब्रैकेट के अंदर जो सबसे पहला बोर्ड मैथ का हमें चिन्ह मिला वो मिला डिवाइड बाई, तो हमें पहले फ्रैक्शन को डिवाइड बाई करना चाहिए। अब डिवाइड बाई करने के लिए जब बीच में डिवाइड बाई का निशान होता है तो आपको मल्टीप्लाई का निशान लगाना है और 2/3 की जगह उल्टा क्या कर देना है आपको 3/2। इस तरह से ये हमारा यहां तक सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ। अब बीच में दिया है प्लस का निशान, तो आप लोगों को पहले इतनी वैल्यू को सोल्व कर लेना चाहिए क्योंकि सारी वैल्यू मल्टीप्लाई में है, क्योंकि बोर्ड मैथ डिवाइजेशन के बाद मल्टीप्लाईकेशन आएगा, तो पहले आप वैल्यू को मल्टीप्लाई कर लीजिए। चलिए ठीक है करते हैं। देखो बच्चों ध्यान से देखो, यहां पर जो 5 है तो 5 से अगर हम काटेंगे तो 5 × 3 = 15 होगा, बाकी कोई वैल्यू कटेगी नहीं, 8 × 2 = 16 और 3 × 3 = 9 = 27 हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो यहां से जो हमारी वैल्यू मिली वो मिली बच्चों 4 और बटे में कितना मिली 5, बीच में डिवाइड बाई का निशान, अभी भी ब्रैकेट चल रहा है, 11/5 अपनी जगह एज इट इज बना रहेगा, माइनस भी बना रहेगा, पहले ब्रैकेट लगाएंगे तो यहां से मिलेगा तुम लोगों को 5 और बटे में कितना 16, बीच में प्लस का निशान है, 3 × 3 = 9 × 27, ये बच्चों हो जाएगा 27 और बीच में हो जाएगा 8 × 2 = 16 और हमारा ब्रैकेट हो जाएगा 5, ठीक है। चलिए तो जब आप देख रहे हो हमें पहले ब्रैकेट ही ऑफ करना है, ब्रैकेट को हटाना है, तो यहां पर ये लाइट फ्रैक्शन बनी है और जब जब लाइट फ्रैक्शन होती है तो हर को ऐसा ही रखे रहने देंगे और जो हमारे अंश हैं उनको जोड़ लेंगे। तो ये बनेगा बच्चों हमारे पास कि 4 और बटे में कितना 5 डिवाइडेड बाई, ठीक, 11 और बटे में बच्चों कितना 5 माइनस का निशान। अब इनको हम जोड़ ले रहे हैं तो ये बनेगा बच्चों नीचे 16 और ऊपर कितना बनेगा बच्चों 32। इस तरह से हमारा ये सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। चलिए ऊपर करते हैं इसको थोड़ा सा, हमारे पास थोड़ा स्पेस कम है, ठीक है। चलो आप देखो यहां पहले इसको सॉल्यूशन करना है, तो यहां पर अगर ध्यान दोगे तो 16 से 32 कितनी बार कटेगा बच्चों 2 बार, तो ये बचा बच्चों कि 11/5 और माइनस का 2, ठीक है। तो जब आप 5 की गुणा 2 से करोगे तो है ना, क्योंकि हमें ये चलो एक स्टार में बढ़ा रहे हैं हम लोग, ये हो जाएगा 4 और बटे में हो जाएगा बच्चों 5 डिवाइडेड बाई का निशान, ये हो जाएगा 11 बटे में बच्चों 5 और माइनस का 2, ये हमारा ब्रैकेट बन, ठीक है। तो 5 × 10, इस वाले 5 की गुणा इससे 2 से करानी है, ये 5 × 10 होगा और 11 में से जब 10 घटेगा तो कितना बचेगा 1, इसका मतलब ऊपर की वैल्यू 1 और नीचे की वैल्यू 5 की 5 बनी रहेगी। तो यहां पर हम लोग ले सकते हैं बच्चों 4 और बटे में हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाई का निशान, 5 × 10, 11 में से 10 गया 1, तो यहां बचेगा बच्चों 1/5। अब जब आपको पता है कि एक फ्रैक्शन को दूसरी फ्रैक्शन से डिवाइड करना हो तो ये तो मैं बार बार बता रहा हूं, पहली वाली फ्रैक्शन को आप लोग ऐसे दिखा रहे नहीं तो, ठीक है, और यहाँ जो ये डिवाइड बाई का निशान है इसे आप मल्टीप्लाई का कर दो बस, और 1/5 का उल्टा 5/1 हो जाएगा। तो बच्चों जब ये हमारा 5/1 होगा तो 5 से 5 हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ बताओ बच्चों कितना बचने वाला है 4, तो ये हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा, ठीक है। तो एक बार इसे आप देख लीजिएगा, मैं सारे क्वेश्चन को एक साथ फिर से दिखा दे रहा हूँ, ठीक, जिसको कुछ स्क्रीन शॉट भी लेना होगा वो बच्चा ले भी सकता है, ठीक है। तो बच्चों ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है, जो हमने सॉल्यूशन करा, मैं एक बार मोटा मोटा फिर से रिवीजन कर दे रहा हूँ। यहाँ पर हमने जब भी का निकालना होगा तो वैल्यू को प्लस
ब्रैकेट में करा करो, मैं बार बार बताता हूँ। तो एक बटे दो का मतलब मल्टीप्लाई आठ बटे पांच, जब हम ब्रैकेट को सोल्व करेंगे तो एक बटे दो इंटू आठ बटे पांच निकल करके दो चौगाठ बराबर चार बटे पांच आ गए। डिवाइड बाय अपनी जगह है, ये अपनी जगह है, बस अंदर हमने इसको डिवाइड बाय करने के लिए मल्टीप्लाई का निशान लगा के बाद वाली फ्रैक्शन को उल्टा कर दिया, तो हमारी फ्रैक्शन उल्टी हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी हमारा सोल्यूशन हुआ वो निकल कर आया 27/16, यहाँ से आपका 5/16 है। हर समान होने पर अंश ऐसे भी ऐसे जुड़ जाते हैं, तो यहाँ पर 11/5 माइनस 16 दूनी 32 हुआ गया, और हमने यहाँ पे ला करके 5 दूनी 10 करा, तो ये 4/5 भागे 1/5 डिवाइड बाई का निशान होने पर फ्रैक्शन मल्टीप्लाई का निशान लगा के फ्रैक्शन को उल्टा कर देंगे, आंसर कितना आएगा बच्चों, 4 निकल करके आ जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है। ठीक, नेक्स्ट, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर बच्चों 6 था, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ठीक है, चलिए, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 7, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। ठीक है, चलिए, आपको आई थिंक अब आराम से दिख रहा हो। ठीक है, चलिए, तो अब आप ध्यान से देखिए, जो क्वेश्चन नंबर 7 है उसमें हमारे पास दो ब्रैकेट दिए हैं, तो सबसे पहले तो हमें ब्रैकेट को ऑफ करना है, अदरवाइज बाकी तो भी कुछ नहीं करना। आइए सीखते हैं, तो 8 दुनी 16 और 16 में अगर 7 ऐड करोगे तो 16 में 7 ऐड करने पर 7 और 6 13 मतलब 23/8, तो इसका जो मान होगा बच्चों यहां पर बच्चों हो जाएगा आपका 23 और बटे में कितना हो जाएगा बच्चों 8, ये डिवाइड बाई अपनी जगह लेने दीजिएगा। ठीक है, ब्रैकेट लगाइए, 3 3 9 और 9 और 5 14 और बटे में कितना 3, अभी भी डिवाइड बाई रखा रहने दो। ठीक है, बट मैं आप लोगों से बार बार कहता हूं कि जब भी कभी आप लोगों को काम मिलेगा उसे ब्रैकेट में रख लो। तो चलिए, जब हम इसको रखेंगे ब्रैकेट में तो 3 दूनी 6 और 1 7 बटे में 3, बीच में मल्टीप्लाई का निशान, 2/7, एक ब्रैकेट बंद करेंगे और एक ब्रैकेट ये वाला बंद करेंगे। ठीक है, बीच में फिर से मल्टीप्लाई का निशान, मैं फिर से बताऊंगा कि जब भी काम को सोल्व करोगे पहले आप उसे ब्रैकेट में रखो, तो यहाँ भी आपका एक ब्रैकेट तो है और एक ब्रैकेट हम लोग और लगाएंगे, तो 5 4 20 और 1 21 बटे में कितना बच्चों 5, और का मतलब बच्चों क्या होता है गुणा, 7 दुनी 14 और 14 और 6 20 और बटे में होगा बच्चों 7, ये हमारा का सोल्व हो गया, और डिवाइडेड बाय हमारा 2/3 दिया है, एक ब्रैकेट और दिया है, और मल्टीप्लाई में बच्चों 5 और बटे में कितना 9, ये हमारा सारा निकल कर क्या है। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले हम लोगों को अंदर वाले ब्रैकेट सोल्व करने चाहिए, आओ देखो करते हैं। तो जब इस वाले ब्रैकेट को इस वाले ब्रैकेट से सोल्व करोगे तो इस ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू बचेगी वो बचेगी 2/3। चलिए, तो यहाँ पर फिर से बराबर का निशान लगाएंगे, ये आपका 23/8 होगा, डिवाइडेड बाय का निशान मिलेगा, ब्रैकेट का निशान लगाएंगे, ये हो जाएगा बच्चों 14/3। और अब ध्यान से सुनो, यहाँ पर डिवाइड बाई है और डिवाइड बाई करने के बाद में जो फ्रैक्शन बनी वो 2/3 बनी है। मैं बार बार बताता हूँ कि डिवाइड बाई की जगह मल्टीप्लाई का लगा लो निशान, और जो यहाँ पर 2/3 फ्रैक्शन बनी उसका उल्टा करोगे तो ये हो जाएगी बच्चों 3 और बटे 2 हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारा बंद हो गया यहाँ से, फिर उसके बाद ये मल्टीप्लाई का निशान होगा बच्चों। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, 7 3 हो जाएगा 21 और 5 4 हो जाएगा कितना 20, तो यहाँ पर कितना बचेगा 4 3 12, तो इस ब्रैकेट के अंदर से जो हमारी वैल्यू निकल के आई वो निकल के आई है बच्चों कितना 12, ये 7 3 21 और 5 6 20। ठीक, तो ये 12 निकल करके आई है और बीच में किसका निशान है, डिवाइड बाई का, तो जब आप डिवाइड बाई का निशान लगाओगे तो डिवाइड बाई करने के लिए हमें 2 और बटे में कितना करना पड़ेगा 3, और 3 कहाँ पहुंचेगा बच्चों ऊपर। ठीक है, और पीछे आपका दिया है 5/9। ठीक है, चलिए, अब देखो यहां से हमारा 3 से 3 क्या हो गया कैंसिल, और 2 से इसको काटेंगे तो कितनी बार कटेगा हमारा, 7 बार कट जाएगा। ठीक है, तो यहां से हमारा बच्चों निकल करके आएगा 23 और बटे में कितना 8, ये आया 23/8, और डिवाइड बाई करना है मतलब इस फ्रैक्शन को किससे डिवाइड करना है, 7 से, तो जब हम लोग 7 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा 7 यहीं पे निकल करके आ जाएगा। फिर से मल्टीप्लाई का बीच में निशान है तो मल्टीप्लाई का निशान लगाएंगे, और बच्चों ये हमारा 3 ऊपर पहुंचेगा तो वहां से हमारा पूछेगा बच्चों ऊपर, तो ये 3 ऊपर आ जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 6 12 और 6 3 18, तो यहाँ पर हमारा कितना बचेगा 18 बचेगा। ठीक,
ठीक है, और इंटू में बच्चों हो जाएगा हमारा 5 और बटे में कितना हो जाएगा 9 निकल करके आ जाएगा। ठीक है, चलो चलते हैं। तो यहां से बच्चे बनेगा कितना बच्चों, ये बनेगा आपका 9 × 18। ठीक है, ये हमारा 9 × 18 बनेगा। ठीक, एक बार चेक कर ले, कोई गलती तो नहीं हुई है। ठीक है, 8 × 16, 16 में 7 ऐड करेंगे, 23/8 होगा, डिवाइडेड बाई का निशान आ गया, 3 × 3 = 9, 5 = 14, बटे में 3 आया, डिवाइडेड बाई आया। हमें जब का सोल्व करना होगा तो अंदर रखेंगे, तो 3 × 2 = 6 और 1 = 7/3 निकल का आया, मल्टीप्लाई का निशान 2/7 हो गया, ब्रैकेट बंद कर लिया, 5 × 20 और 21/5 हुआ। का मतलब बच्चों गुणा होता है, और 7 × 14 = 26/7 होगा, ये डिवाइड बाई 2/3 रहेगा और 5/9 रहने वाला। ठीक है, फिर हमने 23/8 करा, और जब हम यहाँ पे करेंगे तो 7 से 7 कट जाएगा, 2/3 आ जाएगा, 4/3 14/3 होगा, और 2/3 का उल्टा 3/2 करेंगे बच्चों हम लोग, फिर मल्टीप्लाई का निशान लगाएंगे, और मल्टीप्लाई का निशान लगाने के बाद में जो यहाँ से हमें 7 × 21 और 5 × 24 मिला, वो 4 × 3 = 12। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा हो जाएगा 12, और 12 को हमें डिवाइड करना था किससे, 2/3 से, तो 2/3 नीचे रखेंगे तो 3 हमारा ऊपर पहुंचेगा, पीछे हमारे 5/9 दिया है। ठीक है, तो जब हम इससे काटेंगे बच्चों, 2 × 6 = 12 कटेगा, और 3 जब गुणा करेंगे ऊपर ले जाकर के, तो 3 × 6 = 18 होगा, पीछे से 5/9 होगा। तो यहाँ से हमें कितना मिला बच्चों, यहाँ से हमें मिलेगा कितना, ये 3 से 3 कटा, 2 × 7 = 14, तो यहाँ से हमें मिला 7, तो ये 23/8/7 चला जाएगा, और गुणा में जो हमारा यहाँ से कितना मिला था 18, और गुणा में कितना मिला था बच्चों 5/9, तो ये 9 × 18 और 5 × 10। ठीक है, चलो और देख ले जो कट रहा है, तो हमारा ऊपर से 2 × 8 भी कट रहा है, तो अब देखिए आपका कितना बचा है। ठीक है, आपका ये क्या क्या यहाँ पर बचता नजर आ रहा है, ठीक देख रहे हैं। चलिए बच्चों, तो यहाँ बचेगा ऊपर आपका 23, तो एक तो आपका 23 बचने वाला है। ठीक है, और 23 के बाद में नीचे आपका बचने वाला है 4 × 7 = 28, ये आपका 4 × 7 = 28 बचने वाला है। ठीक है, और ऊपर आपका बचने वाला कितना बच्चों, 5, बस और कुछ नहीं बचा है। ठीक है, आप ध्यान से देखिएगा, तो हमारा यहाँ पर 23 × 5 से करेंगे तो 115 होगा, और बटे में कितना होगा 28, तो हमारी वैल्यू निकल के आ जाएगी है ना 115/28। ठीक है, तो आज के लिए जो हमारे क्वेश्चन थे, ठीक मैंने आपको कराए, तो आप इनको घर पे जा करके एक बार फिर से करके देखिए। ठीक है, तो इसी तरीके से हमारे और भी क्वेश्चन मैं कल लेकर के आऊंगा, वीडियो ज्यादा लंबी हो जाती है लेकिन ये थोड़ा कैलकुलेटिव है, इनमें समय लग जाता है, बेशक आपके 6 से 7 क्वेश्चन में है लेकिन थोड़ा कैलकुलेटिव हो जाते हैं। ठीक है, तो आप इनको देखते रहिए, थैंक यू।